आमदीद मरहबा आदाब नाजरीन, मैं कौजी हाफिज़ मोहम्मद अली आपका खैर मकदम करता हूँ कस्बा 7 टीवी न्यूज़ चैनल पर। नाजरीन देखते हैं आज की ताज़ा और अहम खबर। खुश आमदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का कस्बा 7 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पार्टी सरबराह हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और मजलिसी फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में इंचार्ज शोबे तंजीम समद बिन अब्दाद और फारुखुद्दीन साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन साबिक कॉर्पोरेटर अंबरपेट और अंबरपेट से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पार्टी के सीनियर कायदीन की रास्त निगरानी में काचीगुड़ा गोलना का डिवीज़न 82 अंबरपेट हलके में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पार्टी की प्राइमरी यूनिट कमेटी तश्कील दी गई। इब्तदाई सदर मोहम्मद आतिफ खान उर्फ उमर और अराकिन अब्दुल शाहरुख अब्दुल सोहेल मोहम्मद फरदीन अब्दुल हमीद को मुंतखब किया गया। इस मौके पर इब्तदाई सदर मोहम्मद आतिफ खान ने आने वाले तमाम मेहमानों का वालेहाना तरीक़े से इस्तकबाल गुलपोशी व शालपोशी करते हुए शुक्रिया भी अदा किया और उम्मीद जाहिर की है कि वह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पार्टी के हक़ में अपनी बेहतरीन खिदमात अंजाम देते हुए अवाम को राहत पहुँचाएँगे। पेश है कस्बा 7 न्यूज़ चैनल की खसूसी रिपोर्ट। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज अंबरपेट असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के बूथ नंबर 190 यानी 190 का इब्तदाई के जो है इंतखाबात अमल में आए हैं, जिसमें इतफाक़ी तो मुतफ़ा तौर पर तमाम जो है जितने भी मेम्बरान थे वो मेम्बरान जो है ये तय किए कि जनाब आतिफ साहब को जो है यहाँ के बूथ नंबर 190 के जो है सदर की हैसियत से मुंतखब किए। इनके साथ तमाम जो है कमेटी के मेम्बरान भी का इंतखाब भी अमल में आया है। ये तमाम का जो है रिपोर्ट नक़ीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दी जाएगी और उनकी मंजूरी और उनकी तौसीख के बाद में बादाफ्ता इसका अखबार एतमाद में ऐलान किया जाएगा और इनको तौसीखनामा के अलावा तमाम मेम्बरान को जो है आइडेंटिटी कार्ड भी जो है दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये क़यादत से रुजू होता है, चाहे वो मुलाकात करके रुजू होता है या फ़ोन के ज़रिए अपना मसला बताता है, तो आप को दिखेगा कि उसके मसले को संजीदगी से सुनकर उसके मसले को हल करवाया जाता है।